स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। आज का दिन है मेरे लिए स्पेशल। मैं अपने YouTube परिवार के साथ एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज 6 जून हमारे वैवाहिक जीवन के 30 वर्ष पूरे हुए, इसलिए मैं आज स्पेशल सबकी पसंदीदा मिठाई बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बालूशाही। इसके लिए मैंने लिया है 2 बाउल मैदा, आधा बाउल घी, 1 चुटकी नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 बाउल या शक्कर, आधा नींबू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक परात में मैंने मैदा मिला दिया है। मैदे के साथ आप मिलाएंगे हम बेकिंग पाउडर, घी, 1 चुटकी नमक। नमक डालने से मिठाई में बैलेंस होता है, इसका स्वाद अच्छा आ जाता है। और साथ में मैंने जिस बाउल से मेजर करनी है उसी से मैंने मिला दिया है इसमें 1/2 बाउल पानी। अब यहाँ आटा लगाना है। आटे को जैसे हम सिंपल रोटी बनाने के लिए आटा मलते हैं, उस तरह से हमें आटा मलना नहीं है, बस इसको इकट्ठा करना है। देखिए आटा लग चुका है, इसको बिल्कुल मैंने मला नहीं है रोटी बनाने की तरह, इसको मैं एक करके लगा लिया है। आइए स्टार्ट कर, आटा रख देते हैं। अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, इसे मिला दिया है 2 बाउल शक्कर। मैं जिस छोटे बाउल से मेजर कर रही हूँ उसी से मैंने सारा सामान मेजर कर लिया है। आपका बाउल का साइज छोटा या बड़ा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें इसी बाउल से मैं डाल दूंगी 1 बाउल पानी। अब इसको बिल्कुल तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें, केवल ये सामान चीनी और पानी को मिक्स कर लेना है। बस इसको अब चाशनी बनकर हो गई है तैयार। अब आटा देखते हैं। आटे को इस तरह से तोड़ लेंगे जिसमें कि जिससे कि इसमें लेयर आ जाए। और लेयर लाने के लिए हम इसको एक थाली में इस तरह फैला के, ऐसा हाथ से मैंने फैला लिया है, बेलन यूज नहीं कर रही हूं मैं। और इसको ऐसे हाथ से फैला के चाकू की हेल्प से इसको ऐसे काट कर, जिससे कि जो हमें बालूशाही बनाऊंगी उसमें खूब लेयर आ जाए। इसे हाथ से फैला ले, करीब 5 से 7 बार मैंने इसको ऐसे कर लिया है। यदि बीच में से काट के उसको फिर एक बार ऊपर रख दूंगे। इसको ऐसे जितनी बार हम फैलाएंगे उतनी बालूशाही की लेयर अच्छी आएगी, हमारी बालूशाही परतों में बनेगी। बालूशाही की मिठाई बनाना बहुत आसान है, खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है। और इसको हम करीब 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको फैला दिया है, ऐसे इसको पट्टियों से मैं काट लूंगी। अब इसको बॉल के हिसाब से पीस बना लेंगे। इसको ऐसे इकट्ठा करके अब इसको ऐसे अपने पसंद के अनुसार, आपको अगर छोटी मिठाई बनानी है तो छोटे पीस बनाएं, अगर बड़ी मिठाई बनानी है तो बड़े पीस बनाएं। इसी तरह मैंने सारे काट लिए हैं। अब इसको मैं हाथ में इसको मिठाई का शेप देकर बीच में इसका होल कर दूंगी। बीच में होल करने से तो जब हम अभी इसको ऑयल में तलेंगे तो तलने में मैदा हमारा अंदर तक पक जाएगा। और जब शक्कर की चाशनी में डालेंगे उस समय इसमें चाशनी बिल्कुल अंदर तक आ जाएगी, मिठाई बनेगी बहुत स्वादिष्ट। अब सारी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और चाशनी भी बन चुकी है। चाशनी में हम यहाँ पर डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से होता है कि चाशनी जो चीनी होती है मिठाई के ऊपर जमती नहीं है, तो इसमें फायदा है। अब एक दूसरे कढ़ाई पे मैंने ऑयल डाल रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इससे क्या होगा कि मिठाई बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। चाशनी
जिस तरह बालूशाही की मिठाई रसों से भरपूर रहती है, मैं माँ मनसा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जीवन भी इसी तरह खुशियों से भरा रहे और माँ मनसा की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। अब उलटते पुलटते हुए मिठाई को सेक लेना है दोनों ओर से। अब इसको आराम से पलटना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको ये बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपके घर में कुछ फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, तो आप इस तरह इसको बनाकर बांट सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। देखिए बालूशाही हमारी दोनों ओर से सिक चुकी है। अब इसको डाल देंगे चाशनी में। आपके बालूशाही कैसी बनी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए हमारी बालूशाही बनकर हो गई है तैयार। इसे उलटते पुलटते चाशनी में रख दें। देखिए इसे हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे कर देते हैं सर्व। बहुत रसीली बालू मिठाई, बहुत अच्छी बालू मिठाई बालूशाही बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और खुशियों को बांटें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।